चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन भी गोलघर काली मंदिर पर दर्शनार्थियों की मां के दर्शन करने के लिए भीड़ लगी रही, जिसके संबंध में मंदिर के पुजारी के पुत्र अभिषेक सैनी ने बताया कि नवरात्र में हर साल लोग हजारों की तादाद में प्रतिदिन मंदिर में आकर मां की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे लोगों की काफी भीड़ यहाँ पर होती है। रविवार को भी सुबह से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। लोग यहाँ पर भक्ति भाव से आकर पूजा कर रहे हैं। माँ भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। उन्होंने बताया कि नवरात्र के पहले दिन से लेकर 9 दिन तक माँ का चेहरा अलग अलग रूप धारण करता है और अलग अलग देवी की पूजा की जाती है। नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है, इसलिए लोग 9 दिन व्रत रहकर माँ की पूजा करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोलघर काली मंदिर के पुजारी के पुत्र अभिषेक सैनी ने कहा, प्रमोद। अरे अलग एक लाख दे ऐसे आ रहे हैं, जो जा रहे हैं। माना जाता है कि अलग अलग दिनों 9 दिनों में अलग अलग देवियां आती हैं। हाँ, अलग आती हैं। आज कौन सी देवी का? आज दूसरा नवरात्र है। सब बताया जाता है, बहुत प्राचीन मंदिर है। लोग आज बहुत पुराना मंदिर है। हमारा नाम अभिषेक सैन। दूसरा दिन है, यहाँ पे काफी श्रद्धालु आ रहे हैं। जी, यहाँ पे नवरात्र में हर साल लोग हजारों की तादाद में आते हैं, भीड़ होता है, भीड़ उमड़ता है और पूजा भक्ति से लोग पूजा करते हैं यहाँ पे, पूजा भाव से। और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं उन सबों की मनोकामना पूर्ण की जाती है माता के द्वारा, और जो भी मनोकामना होती है वो लोग बड़े प्यार से मांगते हैं माता से, माता जी उनको पूरा करते हैं। और यहाँ पे माता जी का वहाँ नीचे पिंडी है जो निकली हुई है वहाँ पे माता जी, और उन्हीं का देख के बड़ा स्वरूप माता जी का बना हुआ है यहाँ पर। और उस स्वरूप को देखकर माता जी का आप ये देखेंगे कि वहाँ पे माता जी का जो चेहरा है वो मतलब हर दिन प्रतिदिन बदलते रहता है, घंटों घंटों पर। आप अगर देखें, ध्यान से देखेंगे तो वो चीज़ आपको दिखेगी, ठीक है। और बाकी जो है, लोग आते हैं यहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं, जैसे आपके पीछे हो रहा है अभी यहाँ पे मन्नत पूरा होने के बाद, ठीक है। ये सारी विशेषता है। आज ब्रह्मचारिणी देवी जी की पूजा होती है, नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी जी की पूजा की जाती है।
बता दे लोग मनोकामना पूर्ण होती है 9 दिन व्रत रहने से या पूजा करने से? जी वो तो होती है, फल भी मिलता है। 9 दिन व्रत रहते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं सच्ची आस्था के साथ, उनका जो भी मनोकामना होता है वो पूर्ण होता है।